आज बीटेक, एमटेक और मेडिकल संस्थाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ जिन लोगों में जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को तो फीस दे रहे हैं माँ बाप नियंत्रण देने के बाद उन लोगों बच्चों को पढ़ाई में ध्यान करेंगे। डिग्री लेने से नौकरी नहीं मिलती, अनुभव जब तक आपको उस डिग्री का नहीं होगा प्रैक्टिकली तो आपको कौन नौकरी करेगा? किसी को जानते हैं? पहले भी नहीं हुआ था काम, अभी भी नहीं। जब आज तक किसी ने काम नहीं किया तो किसको हम लोग? कोई भी काम कराने के लिए ऐसा नहीं है। अब इन्होंने जो भी बात बताई है, कोई भी समस्या है अब इन्होंने हमारे सामने रखी हो या बताई हो, अब यहाँ आकर के आपके सामने ये क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी काम हो यहाँ पर हम अपने स्तर पर जो सभी कामों को जो निपटाते हैं पूरे तरीके से, यहाँ कहीं कोई कमी नहीं। 20 साल को फौजियों करके आया, उसके बाद मेरे को 28 साल यहाँ हुए, हर हमेशा बीजेपी को वोट दिया, अभी बीजेपी के हैं, अभी बीजेपी के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ मेघा। मैं आज मौजूद हूं गाजियाबाद में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी सारी जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि रोज मैं आपको किस्सा कुर्सी का एक प्रोग्राम दिखाती हूं जिसमें जनता का क्या व्यू है, वो जनता क्या कहती है लोकसभा चुनाव को लेकर कि इस बार 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए, किसने कितने पिछले सालों में काम किया और किसने नहीं, सीधा जनता से ही जानते हैं। हाँ जी सर, क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार अब की बार फिर दोबारा मोदी की ही बनेगी, क्योंकि बहुत अच्छा काम और सुख शांति सुकून सबसे बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा अमन और सुख शांति जो इस सरकार में है, इस सरकार में ही है और किसी सरकार में ऐसा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, कुछ लोग कहते हैं महंगाई तो आदमी के अपने काम के ऊपर है, जो भी काम कर रहा अब खाली घूमता रहेगा तो उसे तो महंगाई लगेगी कोई भी हो। इस सरकार का जो काम उसने बढ़िया कर रखा। आपके हिसाब से महंगाई जो है ठीक चल रही है, मतलब लोगों का जो काम है अगर वो मेहनत करेंगे तो मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ टोकूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर एक छोटा सा आप एग्जांपल ले लीजिए, एक रिक्शे वाला है, ठीक है, वो महीने का आपके हिसाब से मेहनत भी कर रहा है, धूप में है, देखो बारिश हो, उसको अपना काम करना है डेली अपने घर में खाना खिलाने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने से पैसों में जितना उनका बन जाता होगा, कितना बन जाता होगा महीने का, 4-5 हज़ार, आपको लगता है महंगाई के हिसाब से वो अपने पूरे घर का राशन वगैरह और बच्चे की पढ़ाई इन सब चीज़ों को चला पाएगा? कुछ जरूरी नहीं है वो रिक्शा ही चलाता रहे। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, जो अच्छा कुछ काम और नजर आए तो वो करे, और भी बतेरे अच्छे काम है और अच्छे काम है उन्हें करे, कुछ अपना प्रयास करे और मेहनत करने का तो ही अपने लिए भला कर सकता। रोजगार पे आपका क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू है? सरकार ने कहा था मोदी जी ने कि रोजगार मिलेगा, जहाँ तक मैं सर्वे कर रही हूँ रोजगार तो अभी तक बच्चों को मिल ही नहीं रहा, युवाओं को बहुत परेशान है जनता। हमें तो बहुत रोजगार है। अच्छा, अब मैं युवा हूँ, मैं दूसरों को क्या कह दूँ, मुझे तो बहुत रोजगार है। मतलब जिसको नई नौकरी मिल रही है उनको मैं बोलूँगी इनसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलो क्या कह रहे हैं आप हमसे बताए। देखिए, रोजगार का सबसे बड़ा पैमाना हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज बीटेक, एमटेक और मेडिकल संस्थाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली चीज़ जिन लोगों में जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को तो फीस दे रहे हैं माँ बाप नियंत्रण देने के बाद उन लोगों बच्चों को पढ़ाई में ध्यान करेंगे। डिग्री लेने से नौकरी नहीं मिलती, अनुभव जब तक आपको उस डिग्री का नहीं होगा प्रैक्टिकली तो आपको कौन नौकरी पर रखेगा? मुझे अगर राजनीतिक फील्ड में आज मैं पार्षद हूँ तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने अच्छी डिग्री लेके भी आज भी वो पकौड़ों की ठेली लगा रहे हैं। पिछले आप रिसेंट मेरे उस पर उठा लीजिए, याद होगा कि अगर आपको बता दूं कि मैं कल कहीं सर्वे कर रही थी दिल्ली में ही, वहाँ पे एक युवा था, पढ़ लिख कर भी वो रेडी लगा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, अब उस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल, आपके हिसाब से तो पढ़ाई करनी। मैं बिल्कुल बता देता हूँ, अभी हाल में ही जब से ये स्टार्टर इंडिया का आया है, लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए बात है, तो शायद आपका साइड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नाले से गैस निकाल के एक महिला अपने परिवार के पालन पोषण कर रही है और पढ़ी लिखी महिला है। ऐसा नहीं है कि हम व्यापार करके ही नौकरी से पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, अगर हम नौकरी से ज़्यादा व्यापार में पैसा कमा सकते हैं, लोग चाय की भी दुकान लगा रहे हैं, पकौड़े भी बेच रहे हैं, तो इससे हमारा कद छोटा नहीं होता। काम करने का नज़रिया बदलना चाहिए और हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, आप आज एक छोटा सा पौधा लगाओगे कल वो छायादार बनेगा। जब भी ऐसी एक धंधा है, ये बिजनेस है, अगर आप पकौड़ी की छोटी दुकान खोलिए तो वो छोटा ना समझे, वो काम है, काम में कभी बुराई नहीं समझनी चाहिए। अगर ये कर्मचारी हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है, अगर ये सोच ले कि मैं झाड़ू ही क्यों लगाऊं, तो ये गलत फहमी है, तो कौन लगाएगा दूसरी झाड़ू? मेरा जो कर्तव्य है मुझे वो करना चाहिए जहाँ मुझे अच्छा लगता हो, मुझे उस काम। ये तो रोजगार का मुद्दा हुआ, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे
बहुत अच्छा विकास हुआ है पिछले सालों में। देखिए औरों के अनुरूप अगर आप ये दिल्ली से सटा एरिया है गाजियाबाद, आप और आसपास के एरिया को देख लेंगे तो गाजियाबाद शहर की वो गथा बहाने का काम कर रहा है। चाहे आप एनएस की बात करें, चाहे आप सिटी फॉरेस्ट की बात करें, चाहे कहना एलिवेटेड की बात करें, और आप निरंतर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बढ़ोतरी विकास में हुई है। मगर धीरे धीरे एक कोई भी काम है, चाहे मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, अपने बता देता हूँ, 100 के 100% कोई संतुष्ट नहीं कर पाता। कारण है कि किसी चीज़ को हमने आज शुरू किया है तो कल उसे समाप्त होने में उसको समय लगेगा। इसके लिए हमें समय और पेशेंस रखना चाहिए। आपके हिसाब से किन मुद्दों पे वोट देना चाहिए? विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। इस गवर्नमेंट के समय में जितना विकास हुआ है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। जैसे कि सड़कें ले लो। अरे आपकी सड़कें तो बड़ी महान है। अभी आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं हुई है, गड्ढे हैं सड़कों पे। मैं अभी यहाँ आ रही थी, इतना पानी भरा हुआ है। हम ये कह रहे जब हम दिल्ली जाते थे तो यहाँ बॉर्डर पे जाना 2-2 घंटे जाम में उलझे रहते थे। और आप समझिए कि आप यहीं से बैठिए और तुरंत दिल्ली पहुँच जाइए, तो सड़कों का तो जाल बिछ गया है। सड़कों की तो आप कहना ही मत, और यहाँ नहीं पूरे देश में कितने हाईवे बने, कितनी रोड बनी आप देखिए। और इसके मूलभूत सुविधाएं इससे बड़ी और क्या हो सकती है? बनी है क्या यहाँ पे रोड? सब क्या लग रहा है, सबको लगी है क्या? देखिए इनसे बात करेंगे क्या इस पे, आप क्या जवाब देंगे? देखिए रोड वोड तो सब बनी है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ की एरिया की। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, 4-5 साल से हम तो सुनते आ रहे हैं गंगावाटा आ रहा है। हमारे समस्या तो मैं भी इस पे बोलूंगी क्योंकि मैं भी यही की नागरिक हूँ, तो यहाँ पे गंगा वाटर नहीं है, ये एक अच्छा वो है। मैं भी सुन रही हूँ मैडम, 2-3 दिन से क्या आ रहा है, 2-3 दिन से पानी ही नहीं आ रहा। नॉर्मल पानी जो आता है वो ही नहीं आ रहा, और हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद कोई जवाब नहीं देता। हमेशा समस्या रहती है कि बिजली खराब हो गई, बिजली नहीं आ रही, जबकि हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। आगे सांसद काम नहीं करते आपके? सांसद काम करते हैं, नहीं है करते हैं ये तो हमें क्या पता, लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या कह रहे हैं मेगा? मैं यहाँ का एक RW अध्यक्ष हूँ, और पीछे आप देख रहे हैं हमारे HIG बनी हुई है। हम लगभग यहाँ 25 वर्षों से रह रहे हैं, और हमारे यहाँ पर 25 वर्षों से हम तो रह रहे हैं। अभी हमारे पीछे 25 सालों में केवल एक बार सड़क बनी है, और वो भी इतनी ऊंची बना दी गई कि हमारी जितनी RW है वो सारी वो जो है उसमें नीचे हो गई और पानी उसमें भरता है। हाँ, क्योंकि मैं अभी भी देखती भी आ रही थी, पानी तो भरा हुआ है सड़क बिल्कुल। और इसके लिए हम लोग कम से कम 15 सालों से निगम को लगातार लेटर लिख रहे हैं, आइए हमारे रैम तोड़िए, जितनी जितना एनक्रोचमेंट है वो जवाब ले लेती हूँ मैं। हाँ जी सर, हाँ जी जवाब दीजिए आप। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, अगर विकास से संबंधित चर्चा है तो ये निगम के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं स्वयं भी पार्षद हूँ और इन भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मकान लोगों के नीचे नहीं जाने चाहिए। और सड़क का एक पैरामीटर नगर निगम ने बना रखा है, मगर कुछ लोग ठेकेदार और ये निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते, और वो ऊँची की ऊँची चढ़ाते, जिससे के कारण कि जलभराव होता है, नालियाँ बंद कर दी जाती हैं, और नाली बंद होने के कारण ये समस्याएं पैदा होनी है। ये कभी नहीं होनी चाहिए। जो बात कायदे की है उसे स्वीकार रही, गंगा जल के विषय की आप कह रहे हैं, गंगा जल के लिए माननीय मंत्री, तो इस पे ध्यान कौन देगा? ये देखिए नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, ये सभी लोग मिलकर इस पे बैठकर एक चर्चा होनी चाहिए, और मैं भी इसमें पक्षधर, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरा सबसे पहले ये मकसद था कि मैं अपने वार्ड में कोई भी सड़क को उठने नहीं दूंगा, तो वही मेरा कर्तव्य आज चल रहा है। मैं मेरे वार्ड में जहां भी इस बात को कितने टाइम हो गया है सर? कम से कम हम 25 सालों से हम इस बात को झेल रहे हैं, केवल एक बार सड़क बनी है 25 सालों में, और आज तक इसको लेकर कभी भी निगम का कोई अधिकारी यहां पर आके नहीं देखा है, जिसको हम रेगुलर कंप्लेंट कर रहे हैं बिल्कुल भी। सर आप बताइए, 10 साल से भी नहीं हो पाया, अब क्या आपको लग रहा है इस मुद्दों पे उनको वोट करना चाहिए? एक्चुअली ये अब एक बार और मौका देख के देखना चाहिए। देखिए मौका तो ऐसा नहीं है, मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या, जब भी कोई सरकार का निर्माण होगा आप अपनी बात शैलीनतापूर्ण कहने के लिए अधिकृत रहे। लोकतंत्र में आपको आज़ादी दी गई है, अपनी बात अधिकारियों के समक्ष, नेताओं के समक्ष रखें। सरकार किसी एक की नहीं होती, आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो सभी लोगों की सरकार है, सबका ही उसमें विकास भी है और विश्वास भी है। और हाँ जी देखिए तो कहने की बात है सर, जब कॉन्फ्रेंस हो गई आप भी आ गए, आज आपने हाईलाइट कर दिया, हमने बता भी दिया, और इन्होंने कह भी दिया कि समस्या का हम आगे भेजेंगे इसको, लेकिन हम लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को चलते हुए इस बार हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और पूरी RW और हमारी ई ब्लॉक सोसाइटी पूरी उसमें सपोर्ट कर रही है। किसी और पार्टी को भी चांस देने का मौका नहीं है, हो सकता है कि BJP नहीं दे, अगर किसी को चांस दे, पहले भी नहीं हुआ था काम, अभी भी नहीं, जब आज तक किसी ने काम नहीं किया तो किसको हम लोग।
क्या नहीं सामने आपकी पार्क है या बेंच नहीं बैठने के लिए आप देख लीजिए आपके सामने एक चार बेंच नहीं बैठने के लिए बताइए प्रचार प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है रोज प्रचार अच्छा ठीक है एक बार ही बताइए प्रचार कर रही है यहाँ सारी पार्टी प्रचार तो यहाँ केवल बीजेपी की पार्टी कर रही है हाँ तो कोई आ ही नहीं रहा यहाँ कांग्रेस की पार्टी नहीं डॉली शर्मा नहीं आ रही मुझे तो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस भी आ रही है यहाँ कोई पार्टी नहीं आई अभी तक हमारे ई ब्लॉक में आज तक कोई वोट मांगने नहीं आया अच्छा हाँ जी चार दिन बाद जो है वोटिंग है लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वोट भी डालना बहुत कम समय बचा है क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है और ये लोग कह रहे प्रचार करने इस एरिया में अभी तक कोई नहीं आया नहीं मैडम अभी तक न किसी पार्टी बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी का अभी तक यहाँ प्रचार के लिए नहीं आया ठीक सनी चौक पे जैसे लगभग एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आए थे पार्षद वगैरह आए थे और वो सारे जो कैंडिडेट हैं वो भी आए थे एक बार गर्ग साहब भी आए हैं यहाँ पे लेकिन वो प्रचार जिस तरीके से होता था वो कोई प्रचार नहीं है यहाँ पे तो इनके हिसाब से तो ये लोग मतदान ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो समस्या है उस पे किसी ने भी काम नहीं किया है हाँ जी मैं ये कहूँगा मतदान न करना समस्या का समाधान नहीं है बहुत बढ़िया बात मैं ये कहूँगा कि मतदान करें उसके बारे में उच्च स्तर तक बात पहुँचाई जाएगी और समस्या का समाधान होगा लेकिन मतदान न करने से समस्या का समाधान नहीं है ठीक है सर आप इस बारी क्या चाह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन मोदी विपक्ष के पास तो नेता है ही ना अच्छा आपके हिसाब से विपक्ष है ही नहीं विपक्ष का ऐसा कोई चेहरा नहीं कौन नेता है विपक्ष के पास प्रधानमंत्री लायक कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास अभी तक हमें नजर ही नहीं आया मोदी के सिवा कोई प्रधानमंत्री के लायक राहुल गांधी नहीं लगता क्या आपको कहां राहुल गांधी का नेतृत्व ही ठीक नहीं है उनकी बोलचाल ही ठीक नहीं है उनको ये नहीं पता आलू से सोना कब बनेगा हम इंतजार में राहुल जी के आप क्या चाह रहे हैं जनता को किन किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए देखो 35 साल पहले बीजेपी की 2 सीट थी लोकसभा चुनाव में 1984 में और आज जो चुनाव होगा 400 पार 100% बीजेपी आएगी राहुल गांधी जी तो कह रहे 125 नहीं पार कर पाएगी बीजेपी बताऊं कांग्रेस का वोट बैंक इन 35 सालों में गिरा है एक भी सर हो सकता है उठ भी सकता है ऐसा नहीं है कि गिरा है तो गिरा ही रहेगा 35 सालों में गिरा ही है चढ़ा नहीं है उसके लिए 35 साल और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार हमने राम मंदिर के लिए किया था राम मंदिर से जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास व्यापार नहीं है हमारे पास गरीबी आ गई अयोध्या में जाके देखो जो तरसते थे ना व्यापार के लिए आज वो दिन में कम से कम 3000 का लेकिन सिर्फ जनता अयोध्या में ही थोड़ी रहती है सर सिर्फ लेकिन सर जनता अयोध्या में ही थोड़ी रहती है और भी तो जगह रहती है इन सब की भी तो आप समस्या पे ध्यान दीजिए मैं आपको बताऊंगा अयोध्या की जो जनता है वो भी हमारी है या वो अलग है क्या लग रहा है रामलला के नाम पे वोट ले जाएंगे इस बारी 400 पार रामलला करा रामलला तो अपनी जगह ठीक है वो अपनी जगह ठीक है वो सब चीजें बिल्कुल अपनी जगह सही है इसमें विकास का मुद्दा है असली बात तो देखिए हम लोग भी सब किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं दूसरी बात यह है कि जब तक आप अगर वोट देने जाएं तो किसको देंगे देखिए हमारा पूर्ण बहिष्कार है हम आप बिल्कुल इस समय अगर चार दिन बाद तक मूड बदल गया फिर भी किसको वोट देखिए जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे आपके हिसाब से कौन कर सकता है अभी अभी तो कोई आया ही नहीं है उनको देखेंगे परखेंगे उन्हें आया कोई तो हम कैसे सोचेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे ये बीजेपी सपोर्टर्स है कार्यकर्ता है ये आपसे कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि आप वोट करिए मैडम मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने भाइयों से हम इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं और इनको मनाएंगे उनकी समस्याओं का बैठी है जनता बीजेपी से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे इनके उच्च स्तर से ठीक है हाँ जी क्या कह रही है जनता कह रही है काम करिए वोट उनका पर्सनल मुद्दा है बहुत दिनों से जैसे भाई साहब वो कह रहे हैं बहुत दिनों से नहीं वो कह रहे हैं 25 साल से पब्लिक समस्या है सर उनके घर की समस्या थोड़ी है वो तो आप अपने पार्षद जी को बोलिए कहाँ है पार्षद जी कहाँ सो रहे हैं आपके पार्षद जी कहाँ सो रहे हैं पार्षद जी को जगाइए हमारे पार्षद जी हमारे ठीक है क्या कह रहे हैं सर ये जो पार्क है पूरा ई ब्लॉक का है इसमें बी ब्लॉक सी ब्लॉक सब बच्चे आते हैं आप खुद इसकी कंडीशन देख सकते हो ये काम हो रहा है मतलब देखने के सामने आपके पास है हमें बोलने की जरूरत नहीं है
लेकिन एक सिर्फ एक पार्क का मुद्दा ही नहीं ना, और भी मुद्दे। अच्छा ठीक है, मुद्दों से, अच्छा ठीक है, मुद्दों से मुझे याद आया, एक सेकंड, मुद्दों से मुझे एक चीज याद आई है, क्योंकि मैं भी यहीं की नागरिक हूँ। दिल्ली और जो गाजियाबाद का बॉर्डर है, वहाँ आप साइड में देखिए कूड़े का कितना ढेर है, मैं रोज देखती हूँ, पहाड़ है और बॉर्डर पे ही है, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? देखिए सबसे उसको साफ कराना। देखिए सबसे पहले जैसे अभी आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष हैं और जितने भी सभी लोग हैं, ये पर्सनल किसी का नहीं है मुद्दा, ये जो है पूरे एक सोसाइटी का, पूरे हमारे लोकसभा के, ये भी हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी है। तो सबसे पहली बात तो मैं इनसे, ये जो इन्होंने कहा चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार करना इसलिए गलत है, देखिए हमारे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे स्थानीय सांसद प्रत्याशी दिया है, उनको अगर स्थानीय सांसद प्रत्याशी है तो पहले ये समस्या लोगों को एक शिकायत रहती थी, ये कहते थे पहले कि भाई हमें सांसद मिलता नहीं है, सांसद हमें यहाँ पे, पर इनके हिसाब से तो सांसद वोट ही नहीं मांगने, सुनिए ना, लेकिन हम आ रहे हैं ना, हम भारतीय जनता पार्टी, सांसद का है, सांसद का भी तो काम होता है सर, अटल जी को भी तो आना चाहिए, आ चुके हैं सांसद जी की मीटिंग एक हो चुकी है, सांसद जी की ठीक है, वोट हम देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये है, सुनिए, सुन लो, सुन लो, समस्या का तो समाधान कब होगा? ये देखिए, मैं रोज कंप्लेन करता रहता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ की इंक्रोचमेंट हो रखा है, ये सारी समस्या आ रही है, तो वोट किसको दे फिर? अब मजबूरी में हमको किसी को वोट नहीं देने, जब कोई काम करने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहली बात मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जो आपने अभी कहा, आपने कहा काम नहीं हो रहा है, हमने कहा हमारे बीच के स्थानीय सांसद ऐसे मृदुलवासी, और सबसे बड़ी बात है आपकी जो शिकायतें, काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए चलेंगे सब लोग, हमारे स्थानीय पार्षद भी हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का, हम सब भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब कार्यकर्ता हैं, हम सब पार्षद जी, जवाब दीजिए, ये पार्षद है यहाँ के, सर आप समस्या सुन रहे हैं यहाँ के, ठीक है, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद राघव है, मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ, जो भी समस्या इन्होंने रखी है यहाँ पर, देखिए ये जो चुनाव अभी चल रहा है, ये सब जो है हमारा जमीनी स्तर का जो काम है, जमीनी स्तर का काम है, जिस जमीनी स्तर पर जो है जैसे नाली खड़ंजा और ये सबसे जो उठ करके जो चुनाव है, ये जो है ये नहीं है कि जो है स्थानीय जो है जो भी समस्याएं हैं ये हमारे स्तर की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सब हम देख रहे हैं ना। लेकिन सर उनकी भी तो आप रिक्वेस्ट सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि इतने सालों से रिक्वेस्ट डाल रहे, इतने सालों से कंप्लेंट डाल रहे हैं, उस पर काम नहीं किया जा रहा, पानी वो कह रहे हैं कि लेवल जो है उसका ऊपर आ रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, पार्क का मुद्दा है, वो तो आपका काम है ना सर, उस पर आप क्या जवाब? देखिए ऐसा है कि कोई भी काम जो है इतनी आसानी से और तुरंत हो नहीं जाता है, हर काम के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। कितना समय चाहिए आपको? नहीं, मुझे अगर वो अगर वोट देते हैं तो आपके हिसाब से कितना समय चाहिए, आप कितने समय में कर देंगे? हम बता रहे हैं आपको जो है, देखिए कोई भी काम कराने के लिए, ऐसा नहीं है, अब इन्होंने जो भी बात बताई है, कोई भी समस्या है अब इन्होंने हमारे सामने रखी हो या बताई हो, अब यहाँ आकर के आपके सामने ये क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी काम हो यहाँ पर हम अपने स्तर पर जो है सभी कामों को जो निपटाते हैं पूरे तरीके से, जो है यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं किसी की, पानी नहीं आता है तो पानी के लिए भी जाता है, पानी भी जो पहुंचता है, ठीक है, इन इनकी समस्या जो पहले भी सुनी थी मैंने और फिर इनकी समस्या का समाधान कराया था, उसके बाद में आज ये फिर बोल रहे हैं तो फिर जो समस्या का समाधान होगा उसमें कोई पहले हुआ था समाधान कोई समाधान कहते हैं पानी आ गया एक दिन दो दिन आ गया हफ्ते रहता है ये कोई समस्या है? अगर समाधान हुआ हो। आप क्या कह रहे हैं, आप युवा लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ नाली बनी थी 2017-18 में नालियाँ बन गई थी, तब भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, और आज 2024 है, मतलब अराउंड 6-7 साल हो गए हैं, उन नालियों का निकास नहीं बना आज तक भी, 6-7 साल हर बारिश में नालियों में पानी भरता है, पूरा जमीन के नुकसान होता है, उसका क्या समाधान होगा? 7-8 साल हो गए हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी जवाब ले लेते हैं, पार्षद जी हमारे सामने ही खड़े हुए हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जो ये इन्होंने अभी बताया है, मैंने इसकी मेजरमेंट वगैरह जो सारी लेकर के जो दे दी गई है, उसकी फाइल जो है तैयार हो रही है, अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी आपको पता है कि जो आचार संहिता लगी हुई है कोई काम अभी हो नहीं सकता, अभी जो है थोड़े से समय में जो है इसकी फाइल की वगैरह की इसकी जो है सारी मेजरमेंट होकर के चली गई है, और इसको जो है फर्स्ट टेंडर पर ही जो इसको रख दिया जाएगा, और इनका जो काम है वो मैंने ऑलरेडी दे रखा हूँ मैं इसको जो है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि अभी हो जाए तो अभी तो जो है इनका नहीं हो सकता, अभी जो है आप 26 तारीख जो है वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद में जो है हमारी सरकार भी बनेगी। एक सेकंड देखिए ये भी हो सकता था सर, ये भी हो सकता है
कि अगर ये बोले कि वोट नहीं देंगे उसका, अगर वो ना करके अगर ये दूसरी पार्टी को भी चांस दे के देखे तो ऐसा भी तो हो सकता है सर। दूसरी पार्टी को यहाँ है ही नहीं, हो सकता है, हो सकता है गठबंधन या कांग्रेस की सरकार को चांस दे के देखे, क्या पता इनके काम हो जाए। मैडम परिवार में भी विघटन होते हैं, ऐसे नहीं है, भाई भाई अलग हो जाते हैं। देखिए अगर कुछ काम होगा तो हो सकता है कि हम लोग फिर शायद दोबारा मिल जाएं, लेकिन 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 अभी हमारा चुनाव का बहिष्कार है और 100% बहिष्कार है जब तक हमारे आप सरकार भी तो चेंज करके अपने माइंड, बिल्कुल हाँ, अगर कोई हमारा काम करेगा तो हम जरूर करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ बदलने के लिए, मैं कह रही हूँ हो सकता है कि इनके दिमाग में आए, लेकिन अगर कोई हमारा काम करेगा तो हम उसको बिल्कुल जरूर करेंगे, हम उसको वोट जरूर देंगे। चलिए फिर मैं आज आपसे फिर सर आप बताइए, अगर ये आप लोगों को वोट देते हैं, चार दिन बाद ही है, अगर आप बीजेपी पार्टी को ये वोट देते हैं तो आप इनको वादा देते हैं इनका काम करेंगे? देखिए ये कहीं किसी से कोई नाराज नहीं है, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं इनके परिवार का हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, वो बता रहे हैं आपको जो है वो जानबूझ करके ये बात बोल रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, ये मेरे सभी भाई बंधु हैं और मैं। आप लोग ऐसे जानबूझ के क्यों तंग कर रहे हैं प्रताची जी को? देखिए शिकायत परिवार के लोग हैं, परिवार में आप जानते हैं कि जो 10 लोग होते हैं तो सदस्यों में जो है आपस में कहीं कोई बात होती है। वादा दे रहे हैं या नहीं दे? वादा नहीं, वादा तो इनको पहले से पता है हमारे बारे में, हम काम करने वाले आदमी और काम करने के लिए आए हैं और काम करना है हमें यहाँ पर। अगर ये अभी हमें जो है यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हाँ जी मैम, किसको वोट देंगे इस बार? वैसे तो बीजेपी को देंगे, है ना, जय श्री राम, पर काम होना चाहिए, काम हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। प्रत्याशी जी आपके सामने हैं, उनके हिसाब से तो काम हो रहा है? देखो चार ढक्कन टूटे पड़े हैं सीवर के, बहुत टाइम हो गया, अभी तक वो ढक्कन इतने इतने चौड़े गड्ढे हो रखे, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ कि सीवर के ढक्कन ही नहीं आए हैं। एक बार आप कैमरा से देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो सीवर टूटे पड़े हैं और रोड पूरी टूटी, इतने इतने गड्ढे हो रहे, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकल आएगा, क्योंकि उन्होंने वादा दे रहे हैं आपके सामने ही कि काम कराएंगे। देखिए मैडम मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ समय पहले ही मैंने खुद खड़े होकर के यहाँ बड़ी मशीनें लगवा करके जो है पूरे इनकी जो सिविल लाइनें जो है क्लियर कराई हैं। नहीं है तो आप पूछ लीजिए इनको, ये सामने हैं, ठीक है, जो ढक्कन नहीं है तो जब आप मुझे बताएंगे कोई चीज़ जो है तभी तो मैं करवा पाऊंगा। क्या हल तो निकालिए? नहीं नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, तो आपने मुझे कोई भी जानकारी दी हो कि कौन सा ढक्कन आपका नहीं लगा हुआ है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? वो बता रही है ना आपको, ठीक है मैम, एक सेकंड इधर आइए, मैम इधर आइए, एक सेकंड इधर आइए, ठीक है। नहीं नहीं देखिए रहे तो वो यही रहे ना, नहीं 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 रहे तो वो यही रहे, बोलने का चुनाव है और इनकी समस्या जायज है, उसके लिए हम सभी लोग काम करेंगे, ये लोग परिवार के लोग हैं, बाहर नहीं। वादा ले लीजिए आप सर से, ऐसा नहीं है, वो आए थे इस क्षेत्र में, आए थे भ्रमण किया था, ये आए थे इधर भ्रमण किया था, पर कार्रवाई नहीं हुई ना, ये सड़क देखो कितनी खराब हो रखी है हमारी वाली, देखो आप अंदर से सारी है। चलिए सर वादा दे दीजिए, अभी भी बात, वादा भी तो नहीं कर रहे हैं, वादा देखिए वादे जो है तोड़ने के लिए होते हैं, मैं काम करने वाला आदमी हूँ और फिर कह रहा हूँ गारंटी के साथ काम होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। आपके प्रत्याशी जी ने वादा दे दिया है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है, वादा दे दिया है सर। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी प्रकार की, मैं आप लोगों के बीच का हूं और ये निश्चित माने कि जो भी काम कहा गया है सभी काम जो है आपके धरातल पे पूरे पूरे होंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं इस बात को। देखिए यदि माननीय पार्षद जी ने सभी लोगों को आश्वस्त किया है, ये आश्वासन दिया और ये कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी परेशानी देंगे उसके लिए ये उस नगर निगम में प्रस्ताव रखेंगे, उस काम को निपटारा करने का काम करेंगे, तो सभी लोगों को होना चाहिए कि देश हित में वोट करें भाजपा को। क्या क्या जमीन में, एक सेकंड सर की बात सुनिए, इस घरों में सब बुजुर्ग लोग रहते हैं, यहाँ बेंच नहीं है एक भी नहीं, जमीन में बैठते हैं हम, त्रिपाल लगा के बैठाते हैं। आप यही रहते हैं सर? नहीं मैं यहाँ पर रहता हूँ, क्या 28 साल से रह रहा हूँ मैं, 28 साल। हाँ क्या, और आपने इस बारे में कंप्लेन करी थी, इस बारे में बेंच सर उसमें 6 बेंच है, यहाँ एक बेंच भी नहीं है सर, आपने कंप्लेंट करी थी सर, सर आपने कंप्लेंट करी थी इस बात पे कि ये पार्षद का काम है घूमना, क्या है क्या नहीं है हमारा काम थोड़ी है, पार्षद का काम है क्या चाह रहे सर? सर एक सेकंड, ठीक है वादा दे रहे हैं ना वो, अब आपको इस बारी सारा काम करेंगे। सामने बोले इनके घर के ऑफिस के अंदर 6 बेंच है, यहाँ पार्क में 1 बेंच है, गुजुर्ग लोग बैठते हैं, मेरे से ज्यादा गुजुर्ग लोग, और हम कब से बोल रहे हैं टूटी फूटी बेंच से उनको भी ले गए, सीनियर लोग हैं इनकी भी थोड़ी सी सुनवाई, जमीन में बैठे काम करना,
जमीन में तिरपाल लगा के बैठते हैं। ठीक है, ठीक है। किसको वोट दोगे सर फिर इस बार? मेरे से गुजर लोग आते हैं, मेरे से सर किसको वोट दोगे फिर इस बार? हम तो मैडम मैं फौज हूँ, 20 साल नौकर फौज में करके आया, उसके बाद मेरे को 28 साल यहाँ हो गए, हर हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। इस बार अभी बीजेपी के हैं, बीजेपी अभी बीजेपी के हैं। नंबर दो हमें छोटी मोटी मतलब हम तो बीजेपी के हैं शुरू से, हम तो ऐसे इनके काम के यहाँ वोटर कार्ड मैंने बीजेपी को के मैंने बनवाए, मैंने बनवाए। ठीक है, हमें हमें ज्यादा नहीं है, हमें बेंच दे दी बस। मैम आप क्या चाह रही है, किसकी सरकार है? सीवर की बहुत समस्या है और इतना परेशान होते हैं, बार बार हमें इतना पैसा देना पड़ता है तो ये कोई सुनता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक रहता है हमारे यहाँ। देखो कितना बुरा हाल है, पूरा घर में सीलन आ रही है। अच्छा, बहुत परेशान। आप लोग इस बार भी कंप्लेंट करते हैं या नहीं? अब करते, हमारी कोई सुनता कोई है? कहाँ करें बताओ, कहाँ फिर वोट दे रही है ना इस बार किस किस हर बार इनको ही देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। काम कौन करे इस बार भी उन्हीं को देंगे, पर कहाँ जो काम करनी दे किसी और पार्टी को, अगर नहीं नहीं वो सब पार्टी ऐसी हैं, सब पार्टी ऐसी हैं। और अतुल जी आ रहे हैं प्रचार करने? अभी तो कोई नहीं आया। देखिए प्रचार करने तो आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, जनता के मुद्दे उनको भी बीच में आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर, आपके हिसाब से किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। क्यों? बीजेपी के वादी हम तो बीजेपी सरकार है। अच्छा, एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता। हाँ जी सर, आपका वोट किसको? मैडम वोट तो हमारी जब लिस्ट में नाम आएगा, अभी लिस्ट में नाम ही नहीं है, जब बताएंगे। हमारा पार्षद वाले लिस्ट में तो नाम होता है। अच्छा, पर इसमें हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं होता। ठीक है सर, पार्षद जी हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, कोई हल नहीं कर सका। अच्छा, हम आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों से सबसे एक बात कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के, मेरी प्रेस की दुकान है कपड़ा की, यहाँ मेहनत करके अपने बीवी बेघर 3 बच्चे पाल रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ। परंतु मुझे ये बताओ कि जो गरीब आदमी का राशन नहीं, उसके राशन आधार कार्ड से राशन नहीं मिल सकता? जिनके बीवी, मेरी बीवी नहीं है तो राशन कार्ड मेरा नहीं बनाया, तो आधार कार्ड से राशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, अच्छा सर, बनाया हुआ है? नहीं बना मेरा। क्यों नहीं बना, बनवाओ ना। मेरी बीवी ना बनेगा, बीवी के नाम मैं कैसे बना दूँ? 4 तारीख के बाद कह रहे हैं। दूसरी बात कह गया, अगर सिलेंडर पे पैसा बढ़ने थे तो हमारा पैसा सब्सिडी देने के बाद, हमारा ही पैसा हमें सब्सिडी दिया गया, किसी घर में अगर वो पैसा नहीं होता, हमारी पैसा हम अकाउंट का, वो पैसा सब्सिडी वाला हमें क्यों देगा? इस पे बढ़ाना चाहिए। आपसे सवाल लेना चाहूंगी, एक सेकंड आप इधर आइए। हमारा ही पैसा सब्सिडी के नाम पे लिया गया सिलेंडर पे, किसी गरीब आदमी के हाथ में इतना पैसा ना हो सब्सिडी के अकाउंट में आ रही है, तो अब वो सब्सिडी कहाँ गई? वो सब्सिडी खत्म, एकदम सिलेंडर पे पैसा बढ़ गए। अब बताओ बात देखिए सर, आप अभी बोल रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले महंगाई को लेके कि आदमी काम करेगा तो होगा, महंगाई नहीं होगी, उसको सब मिलेगा। अब वो कितने परेशान है, सिलेंडर का मुद्दा सिर्फ इनका नहीं है, बहुत से ऐसे लोगों का है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिलेंडर दे दिया, अरे गैस तो वो भरवाएंगे ना, इतनी महंगी गैस कैसे भरवाएंगे, उस पर आप देखिए। देश जो चलता है और संविधान के सभी लोग, हम लोग संविधान के अनुकूल चलते हैं। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, हम उस संविधान के, और यही जनता सरकार चुनती है और ये एक प्रत्येक जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है। आज किसान जब आलू बोने लगता है, अब मैं प्रैक्टिकल आपको समझाना चाहूँगा, वो सोचता है कि आलू मेरा अगर 10 रुपये किलो बिकेगा, है ना, और पहले 2 रुपये किलो बिक रहा है, तो इन्हें महंगाई लगती है। अब जब इन्हें महंगाई लगती है, उन्हें फ़ायदा चाहिए, तो सरकार एक न्यूनतम का रास्ता तय करती है जिससे महंगाई बढ़े ना। मगर धीरे धीरे आज मकानों के रेट बढ़े हैं, किराए के भी रेट बढ़ेंगे, आपके कहने के लिए नौकरियों में भी रेट बढ़े, व्यापार में भी आपके बढ़ोतरी हो रही है, सब चीज में बढ़ोतरी होती है। आपकी ये सारी बातें मैं जायज मान रही हूँ, लेकिन जो गरीब आदमी वो तो परेशान हो रहा है ना सर। नहीं, गरीब कहाँ परेशान हो रहा है, गरीब को तो इस सरकार के सामने ही है वो परेशान हो रही है। आप ये देखिए ना, अब से पहले की जो सरकार थी, इस भाई का, सतवीर भाई हमारे, इनका प्रेस का टिया लगता है, क्या पूछो कोई नगर निगम का इनको व्यक्ति परेशान करता है? ये योगी जी की वो सरकार है जिसने गरीब आदमी को खाने का मौका दिया और गरीबों को राशन से लेकर गैस सिलेंडर तक देने का कारा, वो भी तो आप सभी के पैसे से आएगा। जो ये कह रहे हैं सब्सिडी की बात कह रहे हैं, वो पैसा कहाँ से जाएगा, राशन कहाँ से आएगा, सड़क कैसे बनेंगी, नगर निगम को 92 करोड़ रुपये की टैक्स कलेक्शन है,
ये सारी जनता बैठी है और पूरे शहर का 1450 करोड़ रुपए का खर्चा है डेवलपमेंट पे, तो बाकी का खर्च के लिए हमें भी राज्य सरकार से नगर निगम को अनुदान पे रहना पड़ता है। जवाब मिला सर, संतुष्ट है इस जवाब से आप? अब जैसा बड़े भाई कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, परंतु एकदम ये सुनो, सब्सिडी को लेके हमारे पैसा, हम इस बात को नहीं, महंगाई में कुछ नहीं कह रहे, पर हमारा ही पैसा हमें दिया गया और एकदम जैसे अभी यहाँ मान लो जनधन धन खाते खुलवाए गए, हैं जनधन खाते खुलवाए गए, दारू कौन भी रखे, दारू दारू पीऊंगा तो कहाँ से करूँगा? अभी एक बिटिया की शादी करी, बीवी है नहीं मेरे, 3 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, लिखा एक बिटिया की शादी करी अभी, और वैसे नगर में पैसा शादी के लिए मिलता, मैंने कुरियास कर 1 रुपया नहीं मिला। हाँ कितनी आप साइड फॉर में चलिए, कितना एक लेबर को कंपनी पैसा दे रही है, 10,000 से ऊपर किसी को हो तो बोलिए। हाँ ठीक है, यहाँ की एरिया की जो समस्या है उसको आप हाईलाइट करिए, यहाँ हमारे यहाँ गंगा वाटर की मुहिम चल रही है बहुत सालों से, लेकिन अभी तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ। गंगा वाटर यहाँ पे हमको दिलवाइए, पानी की सप्लाई प्रॉपर हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया की है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बात वो भी है ना, ये पूरे देश की बात है सर, पूरे देश का चुनाव है सर, ठीक है? आप लोगों के मुद्दे मैंने आपके प्रत्याशी जी से वादा दिलवा दिया सर, ठीक है, लेकिन आप देश का भी तो विकास देख के सोच के वोट देंगे ना? के लिए हम आगे हैं, वो दे ही रहे वोट तो देंगे ही, बीजेपी को देते ही है। और अभी मैं वो सर ने बोला न्यूनतम वो किया है, तो आज साइड फोर में जाइए, एक लेबर को किसी 9,000-10,000 से ज्यादा तनख्वाह दे रहा है, पहले 16,000 से 10,000-9,000 पे आ गई, इनके हिसाब से तो सारे रोजगारों को भी मिल रहा है। चलिए हमारे साथ में साइड फोर में कि भाई जो 10,000 पे आ गए लेबर पे तनख्वाह मिल रही है, अरे सर आप कंपनी में चलिए हमारे साथ अभी साइड फोर में। देखिए सर मैं भी जहाँ तक सर्वे कर रही हूँ ना, ये किस्सा कुर्सी के प्रोग्राम से मैं डेली एक सर्वे कर रही हूँ, हर एक जगह का एक लोकेशन उठा रही हूँ, चाहे वो गाजियाबाद हो या दिल्ली हो, ठीक है, लेकिन ये रोजगार का जो मुद्दा है ना सर वो डेली उठ रहा है युवाओं की तरफ से भी। मैडम रोजगार आप बताओ तो कहाँ नहीं मिल रहा, आप ये बताए ना ऐसे थोड़ी, फिर एक बात बताइए अगर मिल रहा होता तो जनता ऐसे थोड़ी मुद्दा उठानी है। एक एक 20,000 फौजी देता हूँ, आपने अभी गवर्नमेंट बोली फौजियों को हम नौकरी दे रहे हैं, अभी फौजियों को एक चौकीदार के लिए 25,000 से 50,000 रुपए घूस देना पड़ रहा है तब जाके चौकीदार लग रहा है, ना तो आप लगवाओ मैं देता हूँ, आदमी बोलिए फौजी को। मोदी जी ने कहा है, अरे आप मेरी बात सुनिए, जब चुनाव, अगर चुनाव जिसका है, जब आप अपनी बात करने के लिए सुनिए, भ्रष्टाचार के लिए सरकार काम कर रही है उसकी शिकायत करने के लिए आप अधिकृत हैं, आप अपने लालच के लिए 50,000 रुपए नौकरी के लिए दे रहे तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी किससे करें आप बताइए, आप जो संबंधित किससे किस कहाँ जाए कोई सुनने वाला नहीं। बाकी यहाँ पे सब लोग क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे सब लोग जितने भी लोग हैं वो मान रहे हैं कि रोजगार जो है मिल रहा है युवाओं को, रोजगार मिल रहा है, रोजगार की कोई समस्या, ठीक है सर कुछ कह रहे हैं। मैडम विकास की बात हो रही है, बहुत ज्यादा विकास की बात हो गई, आप ये बताइए हमारे सांसद जी ने और हमारे जो यहाँ के हमारे MLA थे सुनील शर्मा जी, अभी भी हैं, एट प्रेजेंट भी हैं, वो कब से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हम यहाँ पे अस्पताल बनवाएंगे, एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगा, एक यहाँ पर बालिकाओं के लिए शिक्षा का कोई संस्थान बनेगा, 10 साल हो गए हमें यहाँ पर सुनते हुए, लेकिन आज तक कोई अभी यहाँ पर उसके लिए कोई शायद भूमि चिन्हित भी नहीं की गई है। आप अगर जाके देखें तो इतने अतिक्रमण हो रहे हैं ज़मीनों पर, शायद वहाँ ऐसी संस्थाएँ बन जाएँ, उन अतिक्रमणों को कोई नहीं देख रहा है, ये विकास की बातें कर रहे हैं इतनी देर से, ये उन अतिक्रमणों को जाके रुकवाइए ना, क्यों नहीं रुकवाते आप उनको, आप वहाँ जाके संस्थान बनवाइए कोई और आप अस्पताल की जरूरत है, आप उनकी हम लोग उनकी। हाँ जी हाँ जी मैडम, मैं पार्षद जी, मैडम मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो रखी जाएंगी सर, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं है, हॉस्पिटल बनना और स्कूल बनना, ये जो मैडम मैडम जब वोट चाहिए होता है तब तो बोल देते हैं, देखिए ये जनता की समस्या, मेरी समस्या नहीं है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चुनाव है राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, यदि हमारा राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात हमारे सुनो, आपको भी पता है कि मोदी जी ने हम इन लोगों का सभी का सीना कितना चौड़ा कर रखा है, और एक दूसरी बात वो तो आपका साथ दे ही रहे हैं, वो तो बोल ही रहे हैं बीजेपी को, हम ये कह रहे हैं ये हमारे भाई हैं, इनकी समस्याओं का एक का समाधान होगा और ये वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, ये हमारे अपने ठीक है, ये तो वोट
ठीक है सांसद जी, इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी अतुल गर्ग जी, जो भी समस्याएं हैं ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अरे जब वो आई नहीं रही प्रचार करने तो वो अपनी कैसे रखे आ चुके हैं लाजपत नगर सनी बाजार चौक पे। देखो उन्होंने कहा है हर जगह लोग झूठ बोल रहे हैं प्रचार करने नहीं आए, वो कह रहे नहीं आए, आप कह रहे आए जी आ चुके हैं सनी बाजार चौक पे। जी सर क्या बाजार चौक पे अतुल जी की दो प्रोग्राम हुए हैं, एक लाजपत नगर सनी चौक के पास और एक थाने के पास, दो प्रोग्राम कर चुके हैं और बाकी उसके सारे कार्यकर्ता हम लगे हुए पार्षद जी हैं और हम सब कार्यकर्ता। सुनो वो यहाँ सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, सुनो अतुल जी यहाँ सांसद का लड़ रहे हैं ना कि किसी पार्षद का, वो ये नहीं घर घर जाएंगे उसके लिए हम बैठे हैं, घर घर जाके उनके वादे बताएंगे कि वो काम करेंगे क्षेत्र में, हर कार्यकर्ता घर घर जा रहा है वो काम की गारंटी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अतुल गर्ग जी ने ये कहा है, अतुल गर्ग जी ने ये कहा गाजियाबाद में काम जी ठीक है क्या आप कुछ। हाँ जी मैम आप किसको वोट देंगे इस बार? वोट तो बीजेपी को ही दे रही है आप मैम, को ही देंगे कमल के फूल को ही देंगी, उसी का बटन दबाएंगी। खुश है आप इतने सालों से बीजेपी की सरकार क्या चल रही है उससे खुश है उनके कामों से? हाँ जी बस हमारे यहाँ तो ना तो रोड बनी है ना तो सीवर, कैसी खुश हुई आप? क्या करें वोट तो बीजेपी को ही संतुष्ट है इसलिए। ये बात हुई कि बीजेपी पसंद है तो वोट दे रहे काम हो ना हो। आप कैसी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? अब शुरू से कमल को फूल को ही दे रहे हैं मैम, ये तो वो बात हुई ना कि बस बीजेपी पसंद है तो वोट दे रहे हैं बस यही बात। बस काम तो हमारे यहाँ कोई कराता ही नहीं है। आप एक बार ही किसी और पार्टी को मौका दे के दीजिए। सब एक सी हैं, किसको दें बताओ, किसको दें फिर वही तो किसको दें। चलो अच्छा ठीक है, आपके यहाँ के विषय को छोड़ के अगर मैं बाकी राष्ट्र के मुद्दों की बात करूँ क्या लगता है विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ है, हाईवे मैंने ये जो मोदी जी ने किए वो तो हुए हैं विकास, ऐसा कुछ नहीं है कि विकास नहीं हुआ, सिर्फ जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब जो ऐसे हैं उन पे नहीं हुआ है ज़्यादा विकास, मतलब जो मेन हाईवे मेन उस पे तो सारा विकास हुआ। यूपी में कहते थे कि महिला की सुरक्षा नहीं है, क्या लगता है इन सालों में आपने देखा सुरक्षा? हाँ, वो उसके लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और बाकी स्कूल वगैरह उन्होंने जो भी बहुत अच्छा हुआ है इस समय स्कूलों को भी बहुत टाइट, क्योंकि मेरी बेटी भी पढ़ती थी तो हमें जब से ये कोविड हुआ उसके बाद से तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा कोविड में यहाँ पे किसने मतलब हेल्प करी है, लाइक कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी ने किस सबने अपने आप ही हेल्प करी है, सबने अपने आप ही हेल्प करी है। हाँ जी सर यहाँ कोई पार्टी नहीं आई है, यहाँ मैन टू मैन लोगों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को, और ऐसा नहीं है हमारे बीच के कुछ लोग हैं भी यहाँ पर जिन्होंने सबने सहयोग किया है, यहाँ कोई पार्टी नहीं आई है, लेकिन उस दौरान कोई पार्टी नहीं आई। कोविड में तो हमने हमने बटवाया है राशन ही बटवाया था, आरडब्ल्यूएल ने कलेक्शन करके और राशन बटवाया हमारी मतलब आरडब्ल्यू ने, मतलब वैसे किसी पार्टी ने नहीं किया। पार्टी ने कोई राशन देने का सपोर्ट या कुछ ऐसा सपोर्ट मिला था? सिर्फ पब्लिक सपोर्ट मिला था। हाँ जी यदि देश को कोविड से बचा है तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, योगी जी ने बताया है। ठीक है सबसे मैं एक एक क्वेश्चन लूंगी। हाँ जी सर किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? अभी भी पूछने की बात है क्यों? जी सर सबका अपने अपना ओपिनियन होता है ना, आपने किस मुद्दों पे वोट करा? राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है। आपके हिसाब से सुरक्षा अच्छी हुई? बिल्कुल। चलिए ठीक है आप सर, आप तो आपसे तो पूछ लिया। बीजेपी बीजेपी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सब बीजेपी वाले हैं और जो कह रहे हैं कि उनकी समस्या वो भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये सभी जो है भाजपा के हैं और ये जो है राष्ट्रीय मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, सब स्थानीय मुद्दे को ज्यादा जो है मतलब जो चर्चा कर रहे हैं, इनके जो यहाँ के मुद्दे है इस एरिया के उसी पे ये लोग ज्यादातर उस पे वो दे रहे हैं दबाव दे रहे हैं, तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, सब भाजपा के। यहाँ बता दीजिए एंटी है कौन? यहाँ पर कोई भी एंटी नहीं है, ये हम लोग आपस के परिवार के लोग हैं और जो समस्याएं हैं उनका भी निदान जल्दी हो जाएगा। आपने वादा दे दिया आप इनकी समस्याओं का हल नहीं, ये तो निदान होना ही होना है इनकी समस्या का, जो ये ना भी बोलेंगे तब भी काम होना है। मैं अगली बार आऊंगी आपसे मिलने और पूछूंगी कि सर क्या हुआ क्या काम नहीं हुआ। मैं बिल्कुल चाहूंगा, आपका स्वागत है, आप आइए और ये सभी। लेकिन सर मेरा एक आपसे ये वाला क्वेश्चन है, जो वहाँ बॉर्डर पे जो वो लगा हुआ है ना कूड़े का जो वो पहाड़ बनता जा रहा है गाजीपुर की तरह, उसका कुछ संविधान करे सर? देखिए उसका भी जो समाधान जल्दी होने वाला है, अभी हमारा असल में जो नगर निगम का किसी के साथ टेंडर था तो वहाँ कुछ जो है बात जो है मतलब बनी नहीं है, से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ तो उसका जो है
अच्छा चलिए अब तो जवाब ले लेते। जो हमारा ये जो बॉर्डर पर जो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जो हमारे निगम के ठेकेदार हैं वो दिल्ली और गाजियाबाद के बराबर के ठेकेदार हैं, वही सारा दिल्ली का कूड़ा उठाते हैं और वही सारा गाजियाबाद का कूड़ा उठाते हैं। इस बारे में ये होता है कि आपका जहां मन आ रहा है आप उस कूड़े को डंप कर दीजिए और आप उसको पड़ा रहने दीजिए। तो वो इकलौता एक ठेकेदार है जो सारा कूड़ा पूरे गाजियाबाद और दिल्ली का इकलौता है वो ठेकेदार है जो सारा कहीं पर भी जिसका मन आता है वहाँ डाल देता है वो। इसलिए चलते हुए कम से कम कई सालों से वो इस तरीके की हरकत हो रही है, वो रेगुलर वहीं पड़ा हुआ है। और बाकी आप उस छोड़ दिए, आप तो सारी सड़कों पर और चारों तरफ सब जगह कूड़ा ही पड़ा हुआ है। चलिए वो कह रहे हैं उसका भी समाधान निकालेंगे उसकी, आप ठीक है सर। आप क्या एक कविता सुना रहे हैं? देखिए मोदी जी पे इन्होंने एक कविता लिखी है, ध्यान से सुनेंगे हम सब। कोई नहीं, मोदी जी पे छोटा सा दो चार लाइन की लाइनें बोलनी है। विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर कभी कभी ही आता। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। वह जमाना इस युग, वह जामवंत है इस युग का, वह जामवंत है इस युग का, हनुमान को जगाने आया है। भारत की हर राम को आंखों को चमकाने आया है। बहुत बेहतरीन। तोड़ दिया होगा तुमने इन धर्मों के बेचारों को, है हिम्मत क्या तोड़ सकोगे मोदी के इन दीवारों को। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मोदी जी भाग्य विधाता इस जग के, इस जग को बतलाना ही होगा। गुजरात के इस अर्जुन को दिल्ली पर फिर से बैठाना। बहुत बेहतरीन। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर समझ गए होंगे इन बातों को, गुजरात तुम्हारा ही होगा। अगर समझ गए होंगे इन बातों को, गुजरात तुम्हारा ही होगा। यह मौका अगर बीत गया, नुकसान तुम्हारा ही होगा। बहुत बेहतरीन। खुद लिखी है आपने? हाँ जी, खुद लिखी है? नहीं जी, खुद नहीं लिखी है, मैंने कहीं से, मेरे पास आया हुआ था, मैंने लिख के आप सुना। चलिए लास्ट कमेंट ले लेते हैं सर से। भैया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत बहुत बधाई आपको। इनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, अपने पिताजी की मेरी लाइन लिखी हुई है, डॉक्टर श्याम वर्मा उनका नाम था, कि रोशनी की इबादत करो, चांदनी की इबादत करो, देवता बनना चाहो अगर आदमी की इबादत करो। तो आप लोग आदमी की इबादत करें, आप लोग इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं। चलिए ठीक है, आपने सुना यहाँ की जो जनता है वो तो ऑलमोस्ट बीजेपी के ही वोट जाने वाले हैं, लेकिन जो फैसला होगा वो सर 4 जून को सबको ही मिल जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि 4 जून को यहाँ पर अब किसकी सरकार बनेगी, फिर से भाजपा लहराएगा या नहीं लहराएगा, ये भी देखना होगा। 400 पार होंगे या नहीं होंगे, चलिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बाकी की तमाम खबरों को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।